अगर ईमानदारी से चलोगे तो अभी भी टाइम है, अगर टाइम को वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है, नींद को थोड़ा त्याग दोगे तो अभी भी टाइम है, तुम इरादा तो बनाओ तो टाइम ही टाइम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूँ प्रोफेसर दीक्षिता सेठिया और आज मैं आपके लिए लेके आई एक इंटरेस्टिंग और फ्रेश टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। बिफोर दैट यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको लेटेस्ट एंड लेटेस्ट वीडियो पहले मिले। एंड इवन आई वॉन्ट टू थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर हु हैव सपोर्टेड मी टिल नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अभी जो टाइम एक वर्ड है जो सभी ने बहुत बार सुना होगा, आज हम उसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि टाइम एक्चुअली होता क्या है। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं है। कुछ अच्छा काम करने का जो टाइम था, सही समय था, वो कल था, बट किसी काम करने को अच्छा टाइम है वो अभी अभी इसी वक्त है। आपने सुना होगा कि टाइम अपना खाता खोलता है रात को 12 बजे 00:00 आवर्स पर, और वही खाता वापिस से रीसेट हो जाता है 00:00 आवर्स पर। अभी इसी खाते के टाइम को हमें समझना है। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं, और टाइम कोई बैंक में जाके एज अ लोन हमें नहीं मिल सकता, ना तो कोई डिपॉजिट है जो बैंक में जाके आपको मिलेगा। अब बैंक में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे टाइम चाहिए, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो हमें ये टाइम के जो खाते उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। टाइम एक ऐसा चीज है जो सभी को मिलता है। आप टाइम को काटो, आप टाइम को बर्बाद करो, आप टाइम को यूज करो या टाइम को बिताओ, वो आपके हाथ में। अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे तो जो टाइम का मीटर है वो वापिस से रीसेट हो जाएगा 00:00 आवर्स पे। सो आपको डिसाइड करना है कि आप टाइम को कैसे यूज करो, टाइम को कैसे काम में लाओ। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ती, ना तो किसी को आगे जाने देती। हमें सभी को पता है कि टाइम बहुत जरूरी है, टाइम सभी को पता है कि बहुत जरूरी है, बट कोई इंटेलिजेंट लोगों को पता है कि टाइम मात्र एक ही चीज है जो बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे तो लोग बोलते हैं कि टाइम को बचाना चाहिए। ये कोई सामान है क्या जिसको हम बचा के रखेंगे पॉकेट में या किसी को संभाल के रखेंगे? नहीं, टाइम को बचाया नहीं जाता, टाइम को काम में लिया जाता है, टाइम को यूटिलाइज किया जाता है। तो आपको भी टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे तो जो टाइम का मीटर है, जो टाइम चाहिए, वो क्या हो जाएगा? वापिस से 00:00 आवर्स पर रीसेट हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है और अपने गोल तक, अपने टारगेट तक पहुंचना है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो आपको मैंने 5,000 दिया और आपको मैंने बोला कि 5,000 लो और ये 5,000 को आपको काम में लेना है, आप 5,000 को यूटिलाइज करना है। अगर आप अभी 5,000 यूटिलाइज नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो शाम को वो गायब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? वो 5,000 को काम में लोगे, वो 5,000 का कुछ ना कुछ यूज करोगे। जो आपका एटीट्यूड पैसे के लिए है, वही एटीट्यूड किसके लिए होना चाहिए? आपके टाइम के लिए होना चाहिए। अगर टाइम को आप अभी यूज नहीं करोगे, अभी काम में नहीं लाओगे, तो टाइम चला जाएगा। टाइम एक ट्रैवल है, टाइम एक ट्रैवल करता है, और टाइम इज ट्रैवलिंग। अगर टाइम ट्रैवल करे तो आपको भी टाइम के साथ चलना पड़ेगा। आपको टाइम के साथ चलना है, टाइम तो चलने वाला है, टाइम तो दौड़ने वाला है। आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइम के साथ चलना है, रुकना है, बैठना है कि दौड़ना है। अगर आप अभी बैठ जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे और अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया या जल्दी से कुछ पा लिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट अगर जिंदगी में कुछ आप लेट पाओगे तो डेफिनेटली उसका मजा और उसका जो सक्सेस का एंजॉयमेंट करने का जो टाइम है वो चला जाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है, बट अगर मैं बोलूंगी तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते वो हमेशा बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है। यस, वेरी ट्रू। जो बड़े बिजनेसमैन हमेशा क्या बोलते हैं? हमारे पास टाइम नहीं, बिकॉज टाइम कैन मेक अ मनी, बट मनी कैनॉट मेक अ टाइम। टाइम पैसा तो बना सकता है, बट पैसा टाइम को नहीं बना सकता। सो इट इज वेरी वेल सेड कि टाइम कैन बी यूज टू मेक मनी, बट मनी कैनॉट मेक टाइम। तो आपको इसी कैलकुलेशन को समझना है और अपने टाइम को यूटिलाइज करना है जितना ज्यादा हो सके।
अगर मैं और एक एग्जाम्पल लूंगी तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कोई भी अगर आप बैंक में जाके बोलते हो कि मुझे 1440 रुपीज चाहिए, तो कोई भी बैंक फ्री में आपको 1440 रुपीज देगा क्या? डेफिनेटली नो। बट टाइम का डील बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के अगले दिन से मरने से एक दिन पहले तक टाइम हमें डेली 1440 मिनट्स हमें डेली देता है। अभी आपने कभी सोचा कि टाइम हमें इतना टाइम क्यों फ्री में दे रहा है? आपने कभी सोचा कि टाइम हमें इतना टाइम फ्री में क्यों दे रहा है? जो टाइम हमें इतना फ्री में मिल रहा है उसका रिस्पेक्ट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, आपका जिम्मेदारी नहीं बनता? सोचने जैसी बात है कि नहीं? सो डेफिनेटली आपको उसके बारे में सोचना होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम हमारे हाथ में नहीं, ना तो टाइम को हम रोक सकते ना तो हम टाइम को कंट्रोल कर सकते, बट जो टाइम हमें मिला है उस टाइम को इस्तेमाल करके, वो टाइम को यूटिलाइज करके, वो टाइम को काम में ला के हम आगे के टाइम को तो बदल सकते, हमारे लाइफ को तो बदल सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज योर करेंट टाइम एंड मेक योर फ्यूचर मोर ब्राइट एंड ब्राइटर। अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे तो सिंपल से एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आज आप टाइम को वेस्ट करोगे तो टाइम आपको बर्बाद करने में नहीं छोड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। अगर अभी नहीं संभले तो आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हम और एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा मानते हैं कि बुक्स आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन। अगर हम बुक्स को ग्रेटेस्ट फ्रेंड मानते तो डेफिनेटली आपको बुक्स को ग्रेटेस्ट फ्रेंड मानना पड़ेगा। भले बुक्स आपकी ब्लैक एंड व्हाइट है, बट आप अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी रंगीन बन जाएगी। बट वो काम किसको करना है? आपको करना है, आपको समझना है और आपको बुक्स को प्यार करना है। जितना बुक्स को प्यार करोगे उतना ही आप सक्सेस के नजदीक जाओगे, उतना ही आप सक्सेस के टूवर्ड्स जाओगे। एंड द लास्ट थिंग, इफ आई कंक्लूड विथ माई टॉपिक, तो हमें ये समझ में आता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप समझते हो, अगर टाइम को कैलकुलेट करते हो और अपने टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन शुरू करते हो, तो आप इस कम टाइम पे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इस टाइम के जो कम टाइम आपके पास मिला है उसी टाइम को लेके आप अपना रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सो पुट योर एफर्ट्स, पुट योर 100% एफर्ट्स एंड मेक योर टाइम मोर वैल्यूएबल। आप जितना टाइम को ज्यादा वैल्यू दोगे उतना ही टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, पुट योर 100% एफर्ट्स एंड मेक योर टाइम मोर एंड मोर यूजेबल। एंड द लास्ट, अगर हम बात करेंगे तो सक्सेस आपका एक तरफ है और आप एक तरफ हो। अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है तो एक ही आपका उसका चाबी, एंड दैट की एंड दैट चाबी इज व्हाट, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट एंड बेस्ट वे एंड रीच टू योर सक्सेस एंड टारगेट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड यस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।